जब बार्गेनिंग लोग उतरते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है लोग नाखुश होते हैं, लेकिन उस नाखुशी में भी लोग वो कर देते हैं, डीलिंग कर देते हैं, तो इसमें क्या है भाई का? बहुत अच्छा सवाल है। बार्गेनिंग जब लोग करते हैं, खास तौर से जो हार्ड बार्गेनर होते हैं, वो लोग रजामंदी बताते नहीं हैं अपनी। हाँ, जैसे दुकानदार ने कहा कि मुझे 60 रुपये चाहिए, ये 50 देने तैयार है। फिर दुकानदार ने कहा 58 तक आ गया मैं, बोले नहीं 52 दूंगा, उससे ऊपर मैं देने वाला ही नहीं हूँ। कह चलो 55 दे दो, बोले ठीक है ले रहा हूँ, लेकिन मैं खुशी खुशी नहीं दे रहा हूँ। चलो अभी सवाल यहाँ ये है कि 55 दे रहे हैं लेकिन बोल रहा है कि मैं खुशी खुशी नहीं दे रहा हूँ, तो रजामंदी की कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं हुई? हाँ, हुई या नहीं हुई? क्या लगता है कि उसके सर पे गन रखी है कि लेना ही पड़ेगा तुम्हें 55 रुपीज में? जब वो 55 रुपीज दे रहा है, इससे पता चला कि वो सचमुच राजी है, लेकिन ये कहने की बात है उसकी कि वो अच्छे से नहीं देना चाहता है, वो ऐसे नाराज होके ही देना चाहता है, लेकिन रजामंदी नहीं होती तो वो देता ही नहीं ना। किसने उसे फोर्स किया? हाँ, मामा की दुकान में आप जा करके ले रहे हो कि भाई मामा की दुकान में उठा लो, अब मामा देख रहे हैं कि मेरा एक ग्लास जा रहा है 50 रुपीज का। हाँ, अब वो दिल में महसूस कर रहे हैं खुश नहीं है। हाँ, तो यहाँ क्या है, ये मजबूरी है बेचारे की, मामा की। लेकिन यहाँ पे इनकी क्या मजबूरी है कि इन्हें खरीदना पड़ रहा है, 55 रुपए देना पड़ रहा है? किसने तुम्हें फोर्स किया देने पर? मत लो ना, नहीं राजी हो मत लो, जाओ कहीं और से लो, जो 50 रुपीज में बेचे वहां से ले लेना। तो ये कुछ लोगों की सिर्फ बार्गेनिंग की स्टाइल होती है ताकि दुकानदार का थोड़ा भाव नीचे उतर जाए, लेकिन ये चीज रजामंदी नहीं है, ऐसा नहीं, ये रजामंदी है उसमें छुपी हुई, ऐसे ही दिख रहा है बज़ाहिरन, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है।